करना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रिपरेशन मेथड। सेकंड प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। पहले था हमारे पास विलियमसन कॉन्टिन्यूस इथरेशन प्रोसेस, अब क्या है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। देखो विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, नोट कर लो, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड देन फॉर्म ईथर इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ईथर एरोमेटिक ईथर एंड ब्रांच ईथर बट इट्स नेसेसरी दैट एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी और अनब्रांच्ड। इफ वी यूज सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड then it gives alkene as a major product। ठीक है, देखो हमने यहां पर क्या कहा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है उसमें एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे करना है हमको, एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले ले, सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, सपोज मैंने ले लिया सोडियम इथोक्साइड ले लिया और सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा, NaBr रिलीज हो गया, देन फॉर्म मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो मेथड है इससे हम ब्रांच ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ये तो क्या था अनब्रांच ईथर, हम चाहें तो ब्रांच ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बट ब्रांच ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ब्रांच ईथर के लिए क्या किया मैंने यहां पर, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोक्साइड आयन लिया, इसका रिएक्शन किससे किया, एल्काइल हैलाइड के साथ C2H5Br या CH3Br जो प्राइमरी हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट कर दिया।
NaBr एलिमिनेट हो गया, देन फॉर्म CH3 एंड ओ C2H5। तो ब्रांच इथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा था इसके अंदर कि ये जो मेथड है इससे हम सिंपल इथर बना सकते हैं, ब्रांच इथर बना सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप वाले इथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम चाहें तो एरोमेटिक इथर भी बना सकते हैं। कैसे? सोडियम फिनॉक्साइड है, उसका रिएक्शन किससे किया? सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो NaBr रिलीज हो गया और क्या बन गया हमारे पास? एनिसोन OCS3। एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। बट कंडीशन क्या लगाई हमने यहां पर कि एल्काइल हैलाइड जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी या अनब्रांच हैलाइड होना चाहिए। अगर ये जो हैलाइड है ये ब्रांच हो जाए, सपोज मैंने क्या किया, टर्शरी हैलाइड यूज में लिया, ये टर्शरी आयोडाइड ले लिया मैंने, और इसका रिएक्शन किससे किया? सोडियम इथॉक्साइड के साथ कर दिया। तो अब इस केस के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन। तो बता सकते हो ऐसा क्यों है? अगर यहां पर एल्काइल हैलाइड हमने सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया और उसका सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड या मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर दें तो उस केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ईथर नहीं बन रहा है। अगर मैं एल्कोक्साइड आयन ब्रांच ले रहा हूं तब तो ईथर बन रहा है, लेकिन अगर मैंने हैलाइड को ब्रांच फॉर्म में ले लिया तो उस केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता, उस केस में क्या बनती है? एल्कीन बन रही है। तो क्या रीजन है इसका बताओ, देखे क्या रीजन है इसका, क्या रीजन होगा बोलो, क्या रीजन होगा आस्था बताइए भाई। अगर यहां पर ब्रांच हैलाइड हम यूज में लें तो ब्रांच हैलाइड के केस के अंदर एल्कीन जो होता है यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या रीजन है इसका? तो भी एल्कीन बनेगा, यहां पर केवल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी हैलाइड के अलावा अगर हमने सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड लिया तो उस केस के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कभी भी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या रीजन है इसका बताओ, देखे किसी को भी आता हो तो। आज तो क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट हैं, गुंजन, शिल्पा, अवनी, बड़े दिनों बाद आई है अवनी, तो हर्षवर्धन, ऐश्वर्या, सभी स्टूडेंट्स हैं, और अब हिमांशु भी आ गया, हिमांशु कुमावत भी आ गया क्लास के अंदर। तो बताओ सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास के अंदर, तो बताओ क्या होना चाहिए इसके अंदर बोलो। कोई बोलना ही नहीं चाहता है ना। गुंजन, एल्काइल हैलाइड हाईली हाइड्रेंस में है एंड एल्काइल हैलाइड लेस हाइड्रेंस में होना चाहिए, इस वजह से एलिमिनेशन हुआ है। हाँ, तो मैंने यही तो कहा कि लेस हाइड्रेंस में क्यों होना चाहिए, लेस हाइड्रेंस क्यों होना चाहिए? इट इज बिकॉज एल्काइल हैलाइड नॉट ओनली न्यूक्लियर बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज द रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। हाँ, ये रीजन है अपने पास, क्योंकि हम ये रीजन कर चुके हैं पहले भी। कहां पर क्या था? एल्काइल हैलाइड के अंदर हमने वहां पर रिएक्शन देखा था कि एल्काइल हैलाइड का अगर एक्वस NaOH या QOH के साथ रिएक्शन होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट अगर इथेनॉलिक
KOH या इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो एलिमिनेशन होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस केस में क्या बनता है? सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड बनता है, और सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ में कॉन्जुगेट बेस भी होता है, और जब कॉन्जुगेट बेस होता है तो वो क्या करता है? बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं एल्कोक्साइड एंड के साथ, तो उस केस में ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या करता है? बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना आप लोगों को कि एल्काइल हैलाइड हमेशा कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। अगर ब्रांच हैलाइड होता है तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। उस केस में क्या होगा? यहां पर जो एल्कोक्साइड आयन है वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। अल्फा पोजीशन कौन सी है? जिसपे हैलोजन अटैच है वो अल्फा पोजीशन है, और ये कौन सी है? बीटा पोजीशन है। तो अगर यहां पर हम एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करता है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। तो यहां से आयोडीन और यहां से हैलोजन एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास? एल्कीन। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कन्वर्जन के लिए डाल देते हैं अपने पास, क्या लिख देगा? टर्शियरी हैलाइड दे दिया, C2H5 दे दिया, और यहाँ पर अपने पास बोल दिया आइडेंटिफाई करो मेजर प्रोडक्ट को। हमारे दिमाग में क्या आता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, फटाफट ईथर बना दो, ये लो NaI को रिलीज कर दो और OC2H5 को ऐड कर दो, तो क्या बना देंगे हम? ईथर। बट ईथर नहीं बनेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगी? एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हो गया। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो कुछ और मेथड भी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है हैलाइड के अंदर। क्या मेथड था? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, थर्ड मेथड ले लिया हम, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे? व्हेन एल्काइल हैलाइड, टू मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया, AgI तो रिलीज हो गया, ऑक्सीजन कहां आ गया? दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में आ गया। देन फॉर्म इथॉक्सी इथेन CH3CH2O CH2CH3 प्लस 2 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। तो यहां पर सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और डाइइथाइल ईथर बनता है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, देन फॉर्म ईथर। बोर्ड क्लियर नहीं है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोर्ड क्लियर नहीं है तो ये लो, जूम कर दिया मैंने इसको, जूम करके देख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फर्स्ट पॉइंट हम बात करें सॉलिबिलिटी की। तो बताओ क्या ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है? क्या ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है? होता है क्या? क्यों होता है? देखो ईथर जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, या कंप्लीटली भी सॉल्युबल हो सकता है अगर अपने पास लोअर मेंबर्स हो। ठीक है संजना, रीजन बताओ ईथर क्यों सॉल्युबल है? क्यों सॉल्युबल है?
जब भी वाटर सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो रीजन अपने पास एक ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ईथर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। देखो ये मेरे पास ईथर है, ROR, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है इसके अंदर, इसलिए क्या होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, जो लोअर मेंबर्स हैं ईथर के वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, रीजन क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। बट विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस। बिल्कुल, ईथर सॉल्वेंट की तरह भी वर्क करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। जो भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सॉल्युबल करने के लिए हम ईथर को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ईथर खुद भी जो है सॉल्वेंट है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, तो ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए नॉर्मली ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। केवल जो लोअर मेंबर्स हैं वो ही अपने पास क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता है, रीजन यही है क्योंकि ईथर खुद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और डिजोल्व लाइक डिजोल्व कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होता है। सेकंड पॉइंट नोट करो, इट्स हाईली वोलेटाइल थर्ड पॉइंट, इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक ANESTHETIC एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया के लिए आजकल ईथर को यूज में लेते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म लेते थे यूज में एनेस्थीसिया के लिए, बट अब क्या करते हैं ईथर जो होता है उसको एनेस्थीसिया के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर ईथर को एनेस्थीसिया के लिए यूज में ले लिया, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सा एनेस्थीसिया हमको यूज में लेना है। ठीक है ना, तो जो एनेस्थेटिक डॉक्टर्स होते हैं वो एनेस्थेटिक डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज के लिए कौन सा कंपाउंड जो है वो एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज में लेना है। तो ये ब्रांच होती है अपने पास MBBS जब करते हैं अपन, तो उसमें एक ब्रांच आती है एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका वर्क केवल OT के अंदर होता है, वो क्या करते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग जो है एनेस्थीसिया यूज में लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हम ईथर को यूज में लेना स्टार्ट किया तो ईथर काम में लेते रहे, ऐसा नहीं होता है। और वो भी क्या होता है, अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट, कितना ML हमको एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज में लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एनेस्थीसिया बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ईथर काम में लेना अपने को। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, ईथर ईथर वर्क एज लुईस बेस, लुईस बेस और वर्क एज लिगेंड्स। देखो लुईस बेस और लिगेंड एक ही पॉइंट है अपने पास, बस हम क्या है टर्म अलग अलग है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस टाइप के हमने स्ट्रक्चर नोट किया हुआ है K4 Fe CN6, तो ये हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है और दूसरा उसको शेयर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो एटम या कंपाउंड है या आयंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है दैट्स कॉल्ड लिगेंड। तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और लुईस बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मीन सेम है, ध्यान रखना। ये बोल सकता है ईथर इज गुड लिगेंड, ईथर इज गुड लुईस बेस, रीजन क्या है अपने पास दोनों का मतलब एक ही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग नेचर है, ठीक है। तो ईथर जो होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, क्यों करता है, बिकॉज ईथर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं 2 लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, और साथ में क्या है एल्काइल ग्रुप अटैच है, और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो उस केस में ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके लुईस बेस या लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अपने पास नोट कर लो इसके अंदर, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, therefore increasing electron pair donating, increasing electron pair donating tendency, electron pair donating tendency electron pair donating tendency, ठीक है। तो हमारे पास जो लुईस बेस है या लिगेंड है उसकी तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है इट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, हेडिंग नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।